Welcome to the first ever show of the first ever episode of a new show. Next Sheikh of UAE. इस शो के अंदर हम बात किया करेंगे वर्ल्ड कप के बारे में. वर्ल्ड कप के हर शो का नाम नेक्स्ट शेख ऑफ यूएई होगा. और आज से शो का ऑफिशियली आगाज हो चुका है. बहुत जल्द हमारी वर्ल्ड कप के लिए बैकग्राउंड भी आ जाने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा. लेकिन अब इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वीडियो में एक तो वर्ल्ड कप रिलेटेड बात करेंगे जो स्टेटमेंट आई है, और दूसरी बात करेंगे जिंजर बयान जो हमारा सेगमेंट होता है कि आकाश चोपड़ा सर ने फवाद आलम के बारे में क्या कहा. एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है आकाश चोपड़ा सर की फवाद आलम के ऊपर, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. और साथ में आकाश चोपड़ा सर ने वर्ल्ड कप के ऊपर पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या कहा है वो डिस्कस करेंगे. तो अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टॉपिक. सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट फवाद आलम, तो फवाद आलम के ऊपर आकाश चोपड़ा सर ने कहा है कि फवाद आलम क्या है जो उन्होंने किया है. फवाद आलम की तारीफ की है उन्होंने, बस इतना ही है कि तारीफ की है फवाद आलम की. आप वीडियो देख सकते हैं फेसबुक पर, तारीफ की उन्होंने फवाद आलम की. उनका कहना था कि फवाद आलम को लोग कहते थे ये बैटिंग नहीं आती है इसको, स्टाइल खड़े होने का नहीं. बट उन्होंने प्रूव किया कि वो बैट्समैन, उन्होंने कहा बीच में वो एक्टर बन रहे थे लेकिन जो खून था वो बैटिंग का था और वो बैटिंग के लिए तड़पते थे. और बैटिंग उन्होंने एंड में की, और बैटिंग उन्होंने ऐसे की कि 5 सेंचुरीज बना डाली. और अभी 4 सेंचुरीज कम बैक के बाद 13 टेस्ट मैचों के अंदर 5 सेंचुरीज हैं फवाद आलम की. कैन यू इमेजिन दैट, मतलब बाबर आजम से भी बेहतर सेंचुरीज है. कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ लेकिन बाबर की 33 मैचेस में 5 सेंचुरीज हैं और फवाद आलम की 13 मैचेस के अंदर 5 सेंचुरीज हैं. यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कन्वर्जन रेट कितना है. तो यही बात आकाश चोपड़ा सर ने भी कही और उनकी तारीफ की फवाद आलम की. फिर उनकी स्टोरी बताई फवाद आलम की असल कहानी क्या थी. उन्होंने कहा एक्टिंग में भी गए लेकिन फिर वापस क्रिकेट में आए, और जैसे ही उनको मौका मिला वो बैट के साथ तैयार थे और आते साथ ही उन्होंने ये किया. अगर आपको यकीन नहीं है कि ऐसा ही है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, यू कैन सी द वीडियो. आज वो जिंजर बयान हमारा सेगमेंट होता है, उसमें हम स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करते हैं. यू कैन गो ऑन फेसबुक एंड सी द वीडियो एज वेल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूट्यूब पर आई थिंक नहीं है, बट फेसबुक के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आकाश चोपड़ा सर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया और सारी जो उनको लगता है कि बेस्ट टीम रहने वाली है जो कि क्वालिफाई करेंगी. तो उनका कहना था वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल्स के अंदर पाकिस्तान का क्वालिफाई करना उनको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा. पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप बी में से उनको लग रहा है कि फेवरेट टीम जो कि दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं. ये कहना था यहाँ पर आकाश चोपड़ा सर का कि उनको लग रहा है ये दोनों जो है ना फेवरेट टीम लगे वो वर्ल्ड कप के नेक्स्ट स्टेज में जो है ना क्वालिफाई करें. और क्योंकि इस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान की न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान का अच्छा रिकॉर्ड है. फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है आपका यूएई के अंदर अच्छा खेलता है, एक्सपीरियंस है पाकिस्तान को. फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान हार जो उन्होंने कहा इंडिया के इंडिया को एडवांटेज मिलेगा. लेकिन उनका कहना था अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज को भी पाकिस्तान की टीम काबू कर सकती है, सॉरी वेस्टइंडीज कह रहा हूँ अफगानिस्तान की टीम को भी काबू कर सकती है. उनके ख्याल से बांग्लादेश आएगा तो बांग्लादेश को भी काबू कर लेगी पाकिस्तान की टीम. लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मुझे भी लगता है ऐसे होने वाला है. पाकिस्तान और इंडिया इस ग्रुप से आगे जाने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट शेख ऑफ यूएई के टॉप 4 में कौन आता है. ये उसके मुतालिक वीडियो थी. ये सेगमेंट हम प्रॉपरली शुरू करेंगे कल से, लेकिन एक इंट्रो वीडियो भी हो सकती है. इसमें हम लोग बात किया करेंगे वर्ल्ड कप के ऊपर, वर्ल्ड कप के जो न्यूज़ आ रही है, जो बयान आ रहे हैं क्रिकेटर्स के वर्ल्ड कप के ऊपर, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़.